अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, HP न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। 100 जोन टास्क फोर्स टीम और दबीरपुरा पुलिस ने कत्ल का मंसूबा बनाकर कत्ल की कोशिश को नाकाम करते हुए दो अफराद को कलिया गिरफ्तार। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात HP न्यूज़ के साथ, और इसी तरह की मज़ीद खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलें। कल 26/24 to 7:20 टाइम पे ये फयाज़ खान और मोहसिन दोनों मिलके ये रोशन डवरी के पास सस्पिशियस मैनर में फिर रहे। उसके पास ये बिल हुक बोल के क्या सिकिल वेटा कोड़ोलू बोलते हैं उसको तेलुगु में, बिल हुक बोलते हैं इंग्लिश में, वो ले लेके रोशन डवरी के पास सस्पिशियस मैनर में फिर रहे। वो ये इन्फॉर्मेशन हमारा को आ गया। उसमें आने के बाद साउथ जोन और साउथ जोन टास्क फोर्स ఇన్స్పెక్టర్ గారు, తర్వాత మన దబీర్పుర ఇన్స్పెక్టరు, ఎస్ఐఎస్ వీళ్ళందరూ రైడ్ చేసి మనం పట్టుకుంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉస్మే ఏక బిల్ హుక్ మిల్ గయా ఔర్ ఏక సెల్ ఫోన్ మోసిన్ ఔర్ ఫయాజ్ ఖాన్ బోల్కే దోనోకు పకడ్ లియా। పకడ్నే కే బాద్ వో లోగ్ వో కన్ఫెషన్ ను ఇస్మే పూచే తో యే లోగ్ క్యా హై 2020 మే 2020 మే एक मर्डर केस हुआ चादरघाट लिमिट्स में। उसमें खदीर बोल के एक रोडी शीटर, चादरघाट का रोडी शीटर, एक चाचा को ये फयाज खान का क्लोज फ्रेंड चाचा को मर्डर करे कहते, उसके बारे में ये लोग ग्रेड्ज पूरा बोर ग्रेड्ज लगाया उसके ऊपर, खदीर के ऊपर उसको मर्डर करना बोल के, इसके बारे में ये प्रिपरेशन करके इसको कैसा तो भी मर्डर करना, क्लोज फ्रेंड को मर्डर करे बोल के ये लोग ये बिलहू को लगा के साथ रख के ये लोग प्लान करके उसको कॉन्फ्रेंसी में, क्रिमिनल कॉन्फ्रेंसी और वो ये डिज़ाइन करके उसको मर्डर करना बोल के ये लोग बात करके उसके बारे में फिर तो हम लोग पकड़ लिया। आज अरेस्ट करे, अरेस्ट करने के बाद ये लोग के ऊपर एक ये बिलहू को बोल के ये रिकवरी करे। बिल हुक बोलते हैं इसको, वेट खोलो सिकिल ये एक, और टू सेल फोन ये एक और ये दोनों, दो सेल फोन्स ये एक रिकवरी करे। इसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस का रिमांड भेजा देते। इसके ऊपर केस बुक करके क्राइम नंबर 15/2023 अंडर सेक्शन 25 क्लास 1 क्लास ए आर्म्स एक्ट एंड 120B IPC लगा के दबीरपुरा PS में केस रजिस्टर करे। ये केस रजिस्टर करने के बाद इसके बारे में रिकॉर्ड्स वेरीफाई करे तो ये फयाज के ऊपर और इससे पहले पुराना केसेस आए फयाज़ के ऊपर, एक 131/2021 ये गांजा केस है NDPS एक्ट डबीरपुरा PS का, और 176/2021 ये भी डबीरपुरा PS का आर्म्स एक्ट है, और 340/2021 380 IPC ये भी मलकपेट PS का है। तीन केसेस है फयाज़ के ऊपर, फयाज़ खान अलियास सैफ खान बोलते हैं इसको, और मोहम्मद मोहसिन इनके ऊपर भी प्रीवियस केसेस आए। इसमें 230/2019 382 IPC ऑफ PS मलकपेट, 269/2019 382 IPC ऑफ अफजलगंज PS, 202/2019 382 ऑफ PS चादरघाट। ये तीन केसेस मोहम्मद मोहसिन के ऊपर है। यूनो ये चंचल गोड़ा PD एक्ट में भी यूनो डिटेन करे, ये PD एक्ट में भी चले गया। ये लोगों को दोनों को ये प्रीवियस हिस्ट्री भी, क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये लोग उसको मर्डर करने को कोशिश करे। इसके ऊपर दोनों टास्क फोर्स और ये लोग राइड करके उसको पकड़ के एक
इसको क्या है ब्रेक करे, वो कॉन्स्पिरेसी को ब्रेक करके वो उसको सेव करे, ये लोगों को अरेस्ट कर दिया, कल प्रोड्यूस करते कोर्ट में। सर प्लीडी एक्ट कब लगा था, फिर आप क्या पुलिस पे क्या कार्रवाई करेगी? मतलब इससे पहले मोइन के मोहसिन के ऊपर पीडीएक में इससे पहले गया, और ये भी इससे पहले गया 2020 पीडीएक में गया, और अभी ये पूरा केसेस और ये पूरा केसेस टाइम लिमिट्स के देख के फिर भी ये पीडीएक डालने को कोशिश करते, इसके ऊपर कैसा पीडीएक में आता नहीं आता, और ये पूरा कोशिश करके और भी पीडीएक और तो रोडी शीट्स भी ओपन करने को ओपन करते हैं, रोडी शीट्स भी। सर ये प्लानिंग थी करने की कोशिश कौन कर रही है, बसपा जीनो है या इनकी कुछ और? नहीं दोनों मिलके करे, दोनों एक ही प्लानिंग बोले तो दोनों मिलके करना पड़ता, कॉन्स्पिरेसी 120B दोनों पर। किसी का हाथ नहीं, किसी का हाथ अभी तक नहीं मिला, हो सकता है बच्चों को यूज भी करा जाता, वो भी इंक्वायरी करते, वो भी कोशिश करते। अभी अभी तक फिलहाल ये मालूम हो गया ये लोग चाचा को खदीर मर्डर करे कहते, वो कदीर को चाचा इनका फायज का क्लोज फ्रेंड है कहते, इसके बारे में ये लोग बोर्ड ग्रेड जी डेवलप कर दिया ये कदीर के ऊपर। कदीर आते बोल के रोशन डायरी के पास आते बोल के ये लोगों को उसको उसके ऊपर अटैक करना बोल के।